तरुण एक पार्टी थ्रो कर रहा है और हमारे यहाँ घर में ही एक क्यूट सी इवेंट मैनेजर रहती है। अब मैं चाहता हूँ पिया कि तुम इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करो। आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। मिस्टर एंड मिसेस वालिया, आपके डाइवोर्स केस की पहली फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। ये तुम्हारी बानी ना सिर्फ पैसा चाहे, सिर्फ पैसा। और जिस बानी की तुम बात करते हो वो है कहाँ? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। पुष्कर, मैं इस पार्टी में सिर्फ इसलिए आ रही हूँ क्योंकि यहाँ वो मजिस्ट्रेट भी आने वाले हैं जो मेरा डाइवोर्स केस हैंडल कर रहे हैं। मैं उन्हें मिलकर अपना केस डिस्कस करना चाहती हूँ। इस लड़की ने इस पार्टी में आने की गलती तो कर ही दी है, इसकी इस गलती की सजा भी उसे मिली। दीदी, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। दी, अब तक मुझसे नाराज है। दी, आप मेरा साथ दे न थे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। क्या मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए? ये फैसला मेरा है, मेरी लड़ाई, और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ। जानो दी का गुस्सा ठंडा होना, मैं दी का साथ दूंगी। जिसका साथ देना चाहिए था उसका साथ तो दे नहीं पाए, अब दीदी का क्या साथ दोगी तुम? अपना घर तो तोड़ चुकी हो, अब दीदी का भी घर तोड़वाना है तुम्हें? जानो, ये तुम क्या कह रही हो? उनको ऐसा किसी का साथ नहीं चाहिए जो उनको अपनों से दूर करे। और पिया, ये ऐसा वक्त नहीं है जब दीदी अकेले रहने का इतना बड़ा कदम उठा ले। इस वक्त उनको हम सबकी जरूरत है, अच्छी सलाह की जरूरत है, किसी की गलत सलाह की नहीं। वो धोने गई थी अपना? मुझे तो बस तुम्हें इस पार्टी में देखकर हैरानी हो गई थी। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? Exactly, बानी, मैं भी कैसी पागल हूँ। इसमें हैरान होने की क्या बात है? तुमने हमारी फैमिली को पहले ही इतना हैरान कर रखा है, यहाँ देखकर मुझे हैरानी क्यों होनी चाहिए? बानी, मैं बस इतना ही सोच रही थी कि उस दिन हमारे घर पे तीज की पार्टी में तुमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया था कि मुझे जय वालिया से डिवोर्स चाहिए, जय वालिया की प्रॉपर्टी का 50% शेयर चाहिए, एलिमनी चाहिए। जब उस दिन जय भैया के सबके सामने इतनी इंसल्ट कर दी थी तुमने, तो फिर आज इस पार्टी में क्यों आई? आप तो ऑल तरुण सब लोग जय भैया का बेस्ट फ्रेंड है। ओह माय गॉड, सडनली पानी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। बदले हुए एक्सप्रेशन से वो मुझसे पूछने की कोशिश कर रही है, क्या जिज्ञासा आंटी, आप ये सच कह रही हैं? तरुण सब लोग जय वालिया की बेस्ट फ्रेंड? जैसा कि बानी तुम जानती हैं, सारी दुनिया जानती है कि तरुण सब लोग जय वालिया का कितना अच्छा दोस्त है। बानी, तुम तो जय वालिया की पत्नी हो,
तुम नहीं जानती? क्या गेम खेला है बानी, वाह, दिल खुश हो गया। जय वालिया के खिलाफ केस उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड से लगा ताकि जय वालिया कमजोर पड़ जाए, इमोशनल ब्लैकमेल करके उनकी सारी प्रॉपर्टी हासिल करो। क्या दिमाग पाया है बानी, वाह। बानी के एक्सप्रेशन फिर से चेंज, इस तरह से अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए मुझसे मत कहो कि नहीं नहीं ये सारी बातें मैं नहीं जानती थी। इतना नाटक मत करो बानी। मासूम आंखों से मुझसे क्या कहना चाहती है कि नहीं जिज्ञासा थी, मैं इसमें से कुछ नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि तरुण और जय वालिया इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं। अरे छोड़ो भाई, तुम और तुम्हारी दोनों बहनों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, समझी तुम? ये नाटक कहीं और जाके करना। एंजॉय द पार्टी। Welcome, welcome ladies and gentlemen to this beautiful evening. Now that the party is set, it's time for something special. Haathon mein jaam ho, zindagi apno ke naam ho, aur sangeet ka saath ho. Badi mushkil se milta hai aisa haseen pal. So friends, enjoy the party with some good music. Cheers! से है मेरे सनम, थामा है तुम्हारा ही ये दामन। अरे बानी बेटा, कैसी है तू? मैं जानती हूँ बेटा देवसा से आती हुई है, लेकिन बेटे तुम इस घर की बहू हो, अपने फैसले पर एक दफा गौर कर लो बेटा। ठीक कहा आपने दादी, मैं इस घर की बहू हूं ना, बेटी नहीं हूं। जब तक मैं आपके घर में थी, मिस्टर वालिया की पत्नी थी, तब सब ठीक था। लेकिन आज जब मैं मिस्टर वालिया के खिलाफ, तो आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं है। आप लोग का जवाब है, बहुत स्मार्ट है आप, लेकिन आप लोग चाहे कुछ भी करें, मिस्टर वालिया के बेस्ट फ्रेंड तरुण को ही मेरे पास क्यों ना भेजें। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, मैं अपना केस वापस नहीं लूंगी,
मुझे मिस्टर वालिया की प्रॉपर्टी का 50% चाहिए और मैं 50% के उससे ज्यादा लेकर रहूंगी। पर शराब पी रहे हो या दूसरों पर गिरा रहे? सॉरी रणवीर, पीछे से किसी का धक्का लग गया। तुम्हें कोई धक्का देगा तो दूसरों पर गिरोगे क्या? पुष्कर, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने आज तक शराब का हाथ नहीं लगा। तुमने ये जस्ट कूल डाउन कर लिया। मुझे मालूम है तुम कितने पानी में। थोड़ी देर में खुद ही उड़ जाएगा। इस तरह तुम्हारी बीवी उड़कर हमारे घर में। रणवीर, जबान संभाल कर। जस्ट शट अप। एक तो तुमसे तुम्हारी बीवी नहीं संभलती, एक नाकामयाब इंसान होने के बाद तुम मुझसे ज़बान चलाओगे? इससे आगे और कुछ मत बोलो, वरना वरना क्या पुष्कर? हाँ, क्या पुष्कर? क्या कर रहे हो तुम लोग? स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
हाँ, आपको बचाने के लिए इतने सारे लोग हैं, लेकिन अगर ये फाइल जल जाती तो के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया और उनसे एलिमनी मांगी और आज तो आपने पूरी फैमिली को ही डिस्टर्ब कर दिया। जानती है आज मामा जी को कितनी ठेस पहुंची है? सब तो यही सोच रहे होंगे ना कि आप कितनी बुरी हैं, इतनी मीन कब से होगी मामी आप? राशि, मैं चाहती हूँ पूरे परिवार को यही लगे कि मुझे सिर्फ मिस्टर वालिया का पैसा चाहिए। लेकिन ये सब क्यों, किस लिए कर रही हैं? आशा, तुम्हें याद है उस दिन जब तुम मेरे घर आई थी? अरे राशि, तुम्हें यहाँ क्या हुआ? मामी, वो बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इस वक्त आपके पास आना पड़ा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्या बात है राशि? बानी मामी, वो आज मैंने मम्मी जी और रणबीर को ये बातें करते हुए सुना कि वो मामा जी से कुछ ऐसे पेपर साइन करवाने वाले हैं जिससे कुछ ही दिनों में मामा जी की सारी प्रॉपर्टी, उनका सारा पैसा इन लोगों के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। आपकी जिंदगी निकल गई यही सोचते सोचते कि जय भैया मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो जब से ये तीनों बहनें हमारे घर में आई हैं, डर लगने लगा था। ये तीनों बहनें जय भैया को मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं करने देंगी। लेकिन आज जय भैया के सुनने चले सब कुछ बदल दिया। देखो, इनकी प्रॉपर्टी अब हमारी हो जाए। I'm proud of you, Mason. बस अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ हमारा होगा। राशि, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि ये लोग मिस्टर वालिया को धोखा ना दे पाए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी और पैसा सब मेरे नाम पर होगा। उनसे एलिमनी और डाइवोर्स मांगने के अलावा उनकी मदद करने का और कोई रास्ता नहीं था। प्लीज मामी, प्लीज अपनी इस बेबसी, अपनी इस खामोशी को अपना हथियार मत बनाइए, क्योंकि खामोशी की जबान कोई नहीं समझता। राशि, मैं किसी को कुछ नहीं समझाना चाहती। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनों के लिए कर रही हूँ, अपने प्यार के लिए कर रही हूँ। जब भी मिस्टर वालिया को दुख होता है या उनके दिल को ठेस पहुँचती तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे उनके दुख का एहसास होता है। ठीक है राशि, के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरे परिवार के साथ धोखा होगा। शायद मेरे नसीब उनका साथ ही नहीं है। तुझे देख देख सोऊं